ये नाउन का सेकंड लेक्चर है। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में जब पार्ट्स पर की हम लोग पढ़ रहे थे उनमें कहा था कि पार्ट्स आठ प्रकार के होते हैं, नाउन से लेकर कंजंक्शन तक। और मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो में नाउन का डेफिनेशन और नाउन के काइंड्स और नाउन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखते इस वीडियो में कहां तक मैं जा सकता हूं। और चलते इसी के साथ नाउन का डेफिनेशन। साधारण रूप से सब यही पढ़ाया जाता है, द पर्सन ऑफ द नाउन इज अ वर्ड विच इज ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। और बहुत से प्रकार के डेफिनेशन होते हैं नाउन के, लेकिन मेरे हिसाब से नाउन का डेफिनेशन सादगी वाली देखिए। नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड एक्शन। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं नाउन का डेफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड एक्शन। अब देखते हैं अ पर्सन का क्या अर्थ होता है। अ पर्सन, पर्सन में क्या क्या आता है। पर्सन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो आदमियों का नाम होता है, चाहे बेबीज हो, फीमेल्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो। पर्सन मोहन, सीता, दशरथ, ये पर्सन में आ गया। अब देखते हैं प्लेस में, आप जानते हैं प्लेस, मुंबई, लंदन। एक शब्द लिया गया, देखिएगा एस ई वाई सी एच ई डबल एल एस। बहुत आप इसको सेचल्स पढ़ेंगे, लेकिन देखो उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है सेशल्स, सेशल्स। देखिएगा यूनिक है, शायद यूनिक है, सेशल्स नहीं है, यह है सेशल्स, सेशल्स। नेक्स्ट थिंग की बात करें, थिंग, पेन, चीज, चीज, बटर, लेटर। क्वालिटी में चाहिए, क्वालिटी बैड क्वालिटी भी हो सकती है और गुड क्वालिटी भी हो सकती है। गुड क्वालिटी में देखिए ऑनेस्टी, काइंडनेस, इनफिडेलिटी। एक नया शब्द आया है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब बेईमानी, इनफिडेलिटी। रीडर्स थोड़ा सा बट स्टॉप करेंगे आप, इनफिडेलिटी कौन से में काम आएंगे। इनफिडेलिटी मीन्स बेईमानी। और एक्शन देखिए, एक्शन का अर्थ है मूवमेंट, मूवमेंट, मोशन, रिएक्शन और सिचुएशन। एक सिचुएशन के बारे में बहुत से बच्चे सोचते हैं, कभी टेलीविजन पे और कोई ग्रेट पर्सनालिटी कोई सिचुएशन बोलता है, कोई सिचुएशन बोलता है, इनका दोनों प्रोनाउंसिएशन वैलिड है। एक देखिएगा सिचुएशन, 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 दूसरा है सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन। गो। अब नाउन के प्रकार को पढ़ेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। नाउन के प्रकार को पढ़ने के बाद एक एक नाउन को एलिमेंट्री नॉलेज से लेकर काफी हाइट तक दिखाई जाएगी। लेकिन इस वीडियो में जानते हैं नाउन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और एक एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद एक एक करके प्रॉपर नाउन पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक एक नाम देखते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हर हमेशा, प्रॉपर नाउन किसी का नाम है, नाम, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, द एलिफेंटा केव्स, द एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा, एलिफेंटा केव, द हिमालया, द हिमालया, द
Mount Everest, Mount Everest, Everest. I mean, Krishna. एक्सेट्रा बहुत आदमी इसको एक्सेट्रा बोलते हैं, गलत है, यह है एक्सेट्रा। मैं प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस वीडियो में। ये प्रॉपर नाउन हर हमेशा बाकी के किसी भाग में कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। गेट जी कैपिटल, W capital, I capital, E capital, C capital, H capital, Mount Everest M capital, E capital, और सभी जगह वाकई के शुरू में तो सभी कैपिटल लिखे ही जाते हैं, लेकिन वाकई किसी भाग में प्रॉपर नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। सेकंड, कॉमन नाम कॉमन नाम मतलब जिस शब्द को आप बोलते हैं उससे पूरे संसार का बोध हो जाएगा। यदि मैं कह रहा हूं लड़का, इस लड़का का अर्थ हो जाता पूरे संसार के लड़के। गर्ल मदर, कॉ टेलीविजन, मोबाइल टेलीविजन टेलीविजन एक्सेट्रा। एक वो कहा पूरे बोल, गर्ल का पूरे संसार के, मदर का पूरे संसार के, एक्सेट्रा। थर्ड आपको आ रहा है एक कलेक्टिव नाम मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ आदमी। जैसे कलेक्टिव नाम कहीं आप सरकार कहते हैं गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही नेता नहीं होता है, ग्रुप ऑफ लीडर्स गवर्नमेंट हो गया। जैसे मेला, आप मेला की बात करते हो, मेला में एक आदमी नहीं होता है, आदमियों का झुंड होता है। आपको चलिए स्टेशन हो गया, स्टेशन पे जाते हैं ढेर सारे इंसान रहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है स्वार्म ऑफ एंट्स, कीटों के झुंड, मतलब है कि झुंड की बात करना। अ स्वार्म ऑफ एंट्स मतलब चींटियों के झुंड को अ स्वार्म कहते हैं। फोर्थ, मटेरियल नाम जिसमें पानी की मात्रा हो और जो मेटल हो, बेसिकली बात का विस्तार तो जानने के लिए मटीरियल नाम मोटा घी बटा आयरन एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाम जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे महसूस कर सकते। जैसे आजादी, फ्रीडम कैसा होता है, उजला होता है कि काला होता है, बता रहे अब्स्ट्रैक्ट महसूस करने वाली चीज फ्रीडम। इसी से रिलेटेड लिबर्टी, आजादी, इसका मतलब होता है आजादी कैसी होती है बता। ऑनेस्टी ईमानदारी, बताइए लीडर ईमानदारी कैसी होती है, उजली होती है, काली होती है, बड़ी होती है कि छोटी होती है, आप नहीं कह सकते। तो ये सब शब्द जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाम आता है एक्सेट्रा। इसी के साथ नाम का लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।